नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसालाम्बा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसालाम्बा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसालाम्बा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है।
फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी
अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप
इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने
अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा
पटकथा, अजीज मिर्जा कहानी, अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा, पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा, पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा, पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते।
चलते चलते जो कि 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग
से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस।
सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद।
मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है।
फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी
अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप
इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट। बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने
अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा
पटकथा, अजीज मिर्जा कहानी, अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा, पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा, पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते, जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा, पटकथा अजीज मिर्जा कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट, बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते।
चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग
से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस।
सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। इस मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद।
मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है। फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था 2003 में। रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित, संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, कहानी अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइस, धन्यवाद। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चलते चलते। चलते चलते जो कि एक 2003 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया है।
फिल्म को कैसा लांबा फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में रेड चैलेंजिंग एंटरटेनमेंट की रिब्रांडिंग से पहले यह ड्रीम्स अनलिमिटेड का आखिरी प्रोडक्शन था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख सकते हैं। निर्देशक अजीज मिर्जा द्वारा लिखित संवादा पटकथा अजीज मिर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। कार्यकारी समय 168 मिनट, बजट बॉक्स ऑफिस। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बहुत ही सुपर डुपर हिट है मूवी है शाहरुख खान की। आप ज़रूर जाके, हम मूवी तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप इसका रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद।